डर के तेरे लिए रखे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Hey guys, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, आज हम कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। आजकल ये रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप की अमेजिंग मोशन ब्लर वाली रील्स को एडिट करने के लिए आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है कैपकट। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन उसके बाद आपको सिंपली अपना गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। सिंपली इस पर टैप कर लेना है एंड देन यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी सिंपली इसको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आप करेंगे अगर तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही एक टेम्पलेट दिख जाएगी। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर यूज टेम्पलेट इन कैपकट लिखा हुआ है इस पर सिंपली टैप कर लेना है। सो इससे जो आपकी ये टेम्पलेट होगी वो आपके कैपकट ऐप में ओपन हो जाएगी। आपको इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा यूज टेम्पलेट का, इस पर सिंपली टैप कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपनी एक वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहां पर से इसके आइकन पर टैप करके यहां पर से इसकी जो ड्यूरेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहां पर स्टार्टिंग में ही रहने देता हूं एंड उसके बाद सिंपली कंफर्म के बटन पर टैप कर लेता हूं। इस वीडियो क्लिप की जो लेंथ होगी वो होगी 6.8 सेकंड तक। सो ये जो कैपकट का टेम्पलेट है ये इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लेगा। सो उसके बाद सिंपली हम यहां पर प्रीव्यू के आइकन पर टैप कर लेंगे तो यहां पर ये थोड़ा लोडिंग होगा। So, आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा लैग करेगी। So, हमारे जो फाइनल वीडियो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पर 13 सेकंड तक होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो ये टेम्पलेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको स्लो मोशन कर लेगी। सो हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क और एक्सपोर्ट का। आपको सिंपली एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर टैप कर लेना है। सो इससे जो ये वीडियो है हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक न्यू साउंड ऐड करना है। सो उसको कैसे ऐड करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसको अपनी गैलरी में सेव होने देते हैं। सो ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पर डन कर लेंगे और यहाँ पर से बैक आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपना कैपकट का ऐप फिर से ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर हमें सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो अभी वीडियो एडिट की थी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड ऐड के बटन पर टैप कर लेना है। देन सबसे पहले इस वीडियो क्लिप के अंदर जो ऑडियो है उसको ऑफ करना है। उसे ऑफ करने के लिए सिंपली आपको फर्स्ट में एक आइकन दिख रहा होगा म्यूट क्लिप ऑडियो, सिंपली इस पर टैप कर लेना है। सो इस वीडियो क्लिप की जो ऑडियो है वो यहाँ पर म्यूट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करने के लिए सिंपली ऐड ऑडियो के आइकन पर टैप कर लेंगे एंड देन यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड पर टैप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको जिस भी वीडियो क्लिप का आपको साउंड ऐड करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर इंपोर्ट साउंड ओनली पर टैप कर लूँगा। सो इससे क्या होगा, जो साउंड वीडियो का साउंड था यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर एक एंडिंग लेयर है इस पर टैप करके उसको डिलीट कर लेना है। सो यहाँ पर इसका वाटरमार्क नहीं आएगा फिर। तो हमने यहाँ पर अपनी वीडियो में साउंड ऐड कर लिया है तो हमारी वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है। आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम या इंस्टाग्राम का हैंडल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम ऐड कर लेता हूँ एंड देन फिंगर्स की हेल्प से इसको सिंपली यहाँ पर बॉटम में लेके आएंगे एंड स्टाइल पर टैप करके इसका जो साइज है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर लेंगे। सो मैं जल्दी से उनको ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पर ओके कर लेंगे। सो हमारा जो ये टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसकी लेंथ को मैं यहाँ पर फुल वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। सो अगर आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है तो आप उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं या फिर आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सिंपली कवर फोटो को यहाँ पर चेंज कर लेंगे एंड सेव पर टैप कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, जो इसकी कवर फोटो होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब मैं आपको सिंपली इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ।
सो आपने देखा हमने कितनी इजीली अपनी इस वीडियो को क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है। गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, जो 720p लिखा हुआ है टॉप राइट साइड में, इस पर सिंपली टैप कर लेना है। देन यहाँ पर से अपना एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली उसके बगल में जो एक एरो बना हुआ है उस पर टैप कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो को क्रिएट करूं, तो आप सिंपली हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आप वहां पर हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करनी है। सो उस टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।